हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम, और आप ये वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है और हो सकता है कि इस बार भी ये पूछा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि किरचॉफ का नियम लिखिए और उसका सूत्र भी लिखिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना है किरचॉफ का नियम, और ये दो तीन लाइन जो यहाँ पर लिखी है इसको आपको पूरा लिखना है। अगर आप इसको लिख देंगे तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस लड़के को आता है तभी इसने लिखा है, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखना क्या है, केवल एकदम सिंपल सा इसमें बात है, जटिल परिपथों का विश्लेषण करने के लिए सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम, ठीक है, कितने नियम, दो नियम दिए जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। इतना आपको लिखना है। एक चीज इसमें याद रखना है कि 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम दिए थे जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब देखिए, देखते हैं हम दोनों नियम क्या हैं इसके। तो दो नियम दिए थे, तो पहला नियम हम देखते हैं। पहला नियम है हमारा, ये है संधि का नियम, इसको हम संधि का नियम भी कहते हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पर पांच तार आए हुए हैं और ये पांच तार आकर यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैद्युत धारा का मान है वो रहेगा शून्य। किस लिए रहेगा, देखिए जैसे यहाँ पर ये I1 है, I1 अंदर जा रही है, I2 अंदर जा रही है, I3 अंदर जा रही है, सॉरी I5, और I3 I4 क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो कैसे शून्य होगा। हम यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, जो धाराएं अंदर जा रही हैं उनको हम लिखेंगे प्लस में, जो बाहर जा रही है उनको माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 प्लस I2, और I3 यहाँ पर देखिए बाहर जा रही है तो हम लिखेंगे माइनस का I3, माइनस का I3, और ये माइनस का I4, I4 भी बाहर जा रहा है तो माइनस का I4, और प्लस का I5, क्योंकि I5 आ रहा है अंदर। ये बराबर क्या हो गया, हमारा शून्य हो गया। सिंपल सी तो बात है, जो हमारी धाराएं अंदर आ रही हैं उनको हम प्लस में लिखेंगे, जो बाहर जा रही है उनको माइनस में लिखेंगे। यही है प्रथम नियम, और ये इसलिए इन्होंने बोला था कि मतलब कि संधि पर शून्य होगा, क्योंकि इनका मानना था कि जो वैद्युत धारा है वो संरक्षित रहती है। जैसे कि जो सब, जैसे हम इसमें देखिए, इसमें हम 10-10 एम्पियर का 3 में देते हैं तो वो जो है 30 एम्पियर हो जाता है, तो जो दो लाइनें ये बाहर जा रही हैं ये 15-15 एम्पियर अपने साथ लेकर जाएंगी, जिससे कि यहाँ पर जीरो रहेगी धारा और जो हमारी धारा है संरक्षित रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पर और कोई लाइन जोड़ेंगे तो उसमें धारा नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम 10 एम्पियर दे रहे हैं, यहाँ से 10 दे रहे हैं, यहाँ से 10 दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो दो धाराएं जाएंगी दो लाइन में, यहाँ से हो सकता है 15-15 जाएं, या एक में 10 जाएं, एक में 20 जाएं, इस तरह हो सकता है। और अगर हमने एक लाइन यहाँ से और जोड़ दी तो यहाँ से ये तीनों में बटकर I6 जो होगी, ये तीनों से मतलब कि तीनों में लाइनें जाने लगेंगी। जितनी लाइन हम जोड़ेंगे उतनी जाएगी, लेकिन जितना हम इसको धारा देंगे उतना ही बाहर जाएगा, यही कहना है इस नियम का। ये था हमारा पहला नियम, ये बहुत ही सिंपल सा नियम है, इसमें आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद हमारा आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि किसी परिपथ में, ठीक है, इसे आप एक बार समझिएगा, नहीं तो आप इसे भूल सकते हैं। ये कहता है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद लूप के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में लगने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल बात है, इसको आपको हम समझा रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये परिभाषा याद रहे और समझ में तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, हमारा बंद लूप है। अब हमें क्या कहा जा रहा है, एक बार हम इसे पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। किसी परिपथ में, ठीक है, ये परिपथ है, बंद लूप है, या किसी परिपथ में बंद लूप के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा, विभिन्न भाग, यहाँ पर देखिए I1 प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर I2 प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर I1 प्लस I2 प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या होगी, उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। जैसे I1 है और R1 है, ठीक है, पहले इसे देखिए, ये सिंपल सा हमें क्या बोल रहा है कि जो हमारी धारा है उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें क्या होगा, उसके जो वैद्युत वाहक बल है उसके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम पहला लूप ले लेते हैं। लूप आपको कैसे लेना है, जैसे यहाँ पर देखिए दो लूप हैं, पहला ये है, ये पहला लूप है, और इसके नीचे वाला ये दूसरा लूप है, ये दूसरा है हमारा, तो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, एक लूप लेना है।
तो हम एक को ढक लेंगे तो हमारे पास बचेगा केवल एक लूप। तो इसमें देखिए प्लस से धारा निकलती है और माइनस की ओर आती है, तो हम मान लेते हैं कि धारा जो है इस तरह से इसमें चल रही है प्लस से माइनस की ओर। तो इसमें देखिए जैसे प्लस से माइनस की ओर चल रही है, तो यहाँ से हम इसमें से निकालेंगे और यहाँ तक इसको हम गिनते गिनते लाएंगे। तो धारा यहाँ से निकली, तो I1 जो धारा है यहाँ पर देखिए I1 धारा के साथ कौन सा प्रतिरोध है, R1 है, तो हम क्या लिखेंगे I1 के साथ R1 को लिखेंगे। तो हम क्या यहाँ पर लिखते हैं इसे, ठीक है, ये हो गया हमारा I1 और इनटू में क्या हो जाएगा R1, धारा और संगत प्रतिरोध का योग। तो अब देखिए दूसरी धारा हमारी कौन सी है, यहाँ पर इस लूप में अगर आप देखेंगे जब आप पहला लूप ले रहे हैं तो आपको दूसरे को ढक देना है, तो यहाँ पर हम दूसरा लूप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर I1 R1 हो गया। अब हम ऐसे आएंगे, इसमें नीचे आएंगे, अब हमें जाना है यहाँ पर, तो इससे होते हुए यहाँ पर जाना है। आप देखेंगे कि हम आ रहे हैं ऐसे, यानी कि इसमें धारा ऐसे आ रही है और इसमें आगे की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई कर रही है, यानी कि उल्टा उल्टा आ रहा है। तो धारा की दिशा यहाँ पर उल्टा है जबकि हमें जाना है इधर, धारा की दिशा इधर है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह और यहाँ पर देखिए आई टू के साथ कौन सा प्रतिरोध है, आर टू है, माइनस आई टू आर टू, ठीक है। और यहाँ से अगर हम ऊपर आएंगे जो है, तो ऊपर आएंगे तो यहाँ पर फिर से हम यहीं पर पहुँच जाएंगे, R1 और I1 इसे हमने लिख लिया है, I2 और R2 हो गया। अब ये किसके बराबर होगी, इस सेल के समस्त वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगी। तो इसमें वैद्युत वाहक बल कितने हैं, दो हैं, पहला है E1 और दूसरा है E2, ठीक है। तो ये क्या होगा, E1 और E2 के योग के बराबर होगा। लेकिन देखिए एक चीज़ यहाँ पर और आप ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है और ये भी प्लस है। आप जानते हैं जब बैटरी ऐसे मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस है, अगर हमने यहाँ पर कोई सा बल्ब लगा दिया, अगर हम कोई यहाँ पर बल्ब लगा देंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी इसे माइनस मिल रहा है, यहाँ पर भी माइनस मिल रहा है, और ना ही ये बल्ब यहाँ पर जलेगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या मिल रहा है, इधर प्लस प्लस मिल रहा है, इधर माइनस माइनस मिल रहा है। तो जब हम किसी बैटरी को जोड़ते हैं तो उसके प्लस सिरे को माइनस से जोड़ते हैं और माइनस सिरे को प्लस से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस साइड से ये प्लस प्लस आ रहा है, इस साइड से माइनस माइनस आ रहा है, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से। तो हम यहाँ पर देखिए E1 से E2 को हम घटा देंगे, क्या करेंगे, E1 से E2 को हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा इसका योग। आप बोलेंगे यहाँ पर माइनस है, लेकिन ये माइनस नहीं है, ये यहाँ पर प्लस है, आपको माइनस लग रहा है, यहाँ पर ये उल्टा था तो इसकी दिशा जो है दोनों सेलों की विपरीत है, इसलिए माइनस हो गई। अब अगर हम नीचे वाले सेल को देखेंगे तो ऊपर वाला ढक लेंगे, ठीक है, नीचे वाले बंद लूप को हम देखते हैं तो नीचे वाले में एक सेल यहाँ पर है, इसका प्लस सिरा ये है, तो धारा यहाँ पर इधर से आएगी, तो हम मान लेते हैं ये इस तरह में यहाँ पर भी पहुँचना है, ठीक है, धारा ऐसे ही तो चल रही है तो ऐसे ही पहुँचना है। तो लूप दो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, आई वन के साथ है हमारा आर टू, सॉरी आई टू के साथ है आर टू, तो आई टू के साथ हो गया हमारा क्या आर टू, हमने यहाँ पर इसे जोड़ लिया। और देखिए अब यहाँ पर आप आएंगे, इधर से चल रही है तो नीचे की तरफ आएगी, तो ये नीचे आ गई हमारा, नीचे आ गई तो ये ऐसे ही जा रही है। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि हम जा रहे हैं इस तरफ, हम जा रहे हैं इस तरफ, और हमारा जो धारा है ये भी जा रही है इसी तरफ, तो जब धारा की दिशा और हमारे जाने की दिशा समान रहेगी तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा प्लस, और प्लस लगेगा तो आई वन और आई टू, आई वन प्लस का आई टू, यहाँ पर धारा क्या है आई वन प्लस का आई टू है, और प्रतिरोध है हमारा आर थ्री, ये बराबर किसके हो जाएगा, इस सेल में कितने जो हमारे वैद्युत वाहक सेल हैं, तो दो हैं, मतलब एक है से केवल ई टू वाला, तो हम लिख देंगे ई टू, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर आई वन प्लस आई टू क्यों आया इसे भी देख लीजिए, पहला है संधि का नियम कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था हमारा, ये जो धारा है यहाँ पर कौन सी आ रही थी, यहाँ पर हमारा E2 आया और यहाँ पर हमारा E1 आया, तो जाने वाली धारा भी E1 प्लस E2, यानी दोनों धाराएं मिलकर इधर आ रही हैं, तो E1 प्लस E2 दोनों मिलकर आएंगी। आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से लिखना है उसकी जो लिंक है पीडीएफ में एक हमने लिख कर डाल दिया है, उसे आप देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि इसे आपको लिखना किस तरह से है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है जो हमने लिखा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पहले मतलब कहाँ पर प्लस लगाएंगे, कहाँ पर माइनस लगाएंगे। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, कैसे लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।